तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टुडे अपडेट में। आज के लिए जो अपडेट होने वाली है ये बीटेक स्टूडेंट के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि आप वहाँ अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। कहाँ करना है, कैसे करना है, इसमें हम बताएंगे आपको। इस वीडियो के थ्रू सारा चीज़ हम बताएंगे आपको कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन डिपार्टमेंट के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं बीटेक के, इसमें सारा बताएंगे आपको। तो जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, जैसे नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट फॉर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिस्ट एक्ट 1961, ठीक है। ये जो है वीरा शिवल पावर स्टेशन, ठीक है, जो कि ये NHPC लिमिटेड के थ्रू ये निकली हुई है कि आप इसमें अप्लाई करके अपना अप्रेंटिसशिप एक साल की ट्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बताते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सिविल के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से नंबर ऑफ सीट 6 है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का भी है, 5 सीटें हैं। मैकेनिकल का है, 4 सीटें हैं। और IT कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट है वो 1 सीट है। टोटल 16 सीटें हैं, ठीक है। एक साल का ड्यूरेशन होगा, ठीक है, जिसमें से आप यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं कि ग्रेजुएट इंजीनियरिंग बीटेक इन जो ये जो यहाँ पे ब्रांचेज हैं, अगर ये ब्रांचेज हैं आपके तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए। एलिजिबल क्राइटेरिया जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 4 साल का डिग्री होना चाहिए आपका इंजीनियरिंग का, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पे एज की बात करें तो यहाँ जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, ये 18 से 30 वर्ष के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। SC ST OBC, ठीक है, NCL विल भी ये गवर्नमेंट का है, जो कि आप अप्लाई यहाँ पे कैटेगरी के वाइज भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर कैटेगरी से हैं आप तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें जो एज निकाले जाएंगे, 1 ईयर का ड्यूरेशन जो देखा जाएगा, काउंट किया जाएगा, वो 1/1/2022 से आपका किया जाएगा। यानी कि यहाँ से आपका यहाँ पे शुरू होगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यहाँ से आपका इशू किया जाएगा इस डेट से, 1/1/2022 से, ठीक है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं कि अप्लाई का, उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मंथली का जो आपको पेमेंट दिया जाएगा वो 9,000 रुपया आपको पेमेंट दिया जाएगा, ठीक है। जो कि ये वाला, ये जो पेमेंट होगी ये आपको पेमेंट डायरेक्ट अकाउंट में दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बताते हैं आपको यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आप सारा चीज़ यहाँ पढ़ सकते हैं, बी केयरफुल, आप सारा चीज़ यहाँ देख सकते हैं कि और क्या क्या इसमें रिगार्डिंग दिया हुआ है। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो भी जो है, ये हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है इसमें बताएंगे हम आपको, कैसे अप्लाई करना है और कब तक अप्लाई करना है, ठीक है, इसमें हम आपको बताते हैं। ये जो जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे हाउ टू अप्लाई, ठीक है, ये जो है आपका कैंडिडेट का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, बिफोर अप्लाइंग द अप्रेंटिसशिप जो है कैंडिडेट मस्ट हैव वेरीफाइड आपका हो कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये जो दी हुई है वेबसाइट, यहाँ से आप इस पोर्टल से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो दी हुई है, द रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेटेड इन द पोर्टल शुड बी माउंटेड इन द रिलेटिव कॉलम ऑफ अप्रेंटिसशिप अप्लाई फॉर द वीरा शिवल पावर स्टेशन, ठीक है। यहाँ पे आप इस वेबसाइट से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये वेबसाइट हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताते हैं कि आपको कब तक भेजना है और कहाँ पे भेजना है, वो भी बताते हैं आपको। यहाँ जो है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कैंडिडेट हैज़ बिन टेकन प्रिंट आउट फॉर अप्रेंटिसशिप अप्लीकेशन फॉर्म एंड सेंड अलॉन्ग विथ जो है पासवर्ड साइज फोटोग्राफी, जो कि आप वहाँ रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपको अप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट मिलेगा वो, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड साइज फोटोग्राफी, ऑल द सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफिकेशन, जितनी भी क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट होगा उसमें आपका सेल्फ अटेस्टेड आपका साइन होना चाहिए, ठीक है, जो कि बीटेक का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डोमिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट होना चाहिए, फ़ोटो ऑफ आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड एक्सेट्रा, अगर और भी आपके पास अगर कोई भी सर्टिफिकेट है तो भी आप दे सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट बढ़ाते हैं कि बताते हैं कि आपको टू बी ये जो बिलो मॉनेटरी एड्रेस वो स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री 7-12 तक आप ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एड्रेस दी हुई है इस एड्रेस में आपको या तो स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या तो आप वहाँ पे या यहाँ जो दी हुई थी सारा चीज़ आपका दिया हुआ है यहाँ बाय हैंड टिल्स मतलब हाथ से भी वहाँ जा कर के जमा कर सकते हैं इस एड्रेस पे। ठीक है, और नेक्स्ट अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा चीज़ दी हुई है, केयरफुल्ली आप सारा चीज़ पढ़ लें, सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया है यहाँ से भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे केयरफुल। अब यहाँ बात करते हैं कि फॉर्म का, आपको ये फॉर्म को भी फिलअप करना है। ठीक है, क्या क्या फिलअप करना है ये भी बताते हैं आपको। यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं टू सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है एचआर के बारे में, यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर डेट सारा चीज़ यहाँ भरना है। ठीक है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जो वहाँ रजिस्ट्रेशन करोगे इस पर ये जो है इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना, उसमें उसके बाद आपको जो नंबर मिलेगा उस नंबर को यहाँ पुट करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेनिंग का जो होगा वो यहाँ पे पुट करना है, उसके बाद नेम लिखना है ब्लॉक लेटर में, जेंडर दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं यहाँ फोटोग्राफी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पे चिपकाना है। ठीक है, नेक्स्ट जो यहाँ पे है जेंडर लिखना है, मैरिड या है या अनमैरिड है वो लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, टोटल एड्रेस लिखना है, पिन कोड विथ पिन कोड के साथ कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, स्टेट ऑफ डोमेस्टिक, ये जो सारा चीज़ दी हुई है सारा चीज़ आपको पुट करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको, इसलिए इसको आप केयरफुल्ली सारा चीज़ आपको पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको साइन करना है और यहाँ पे डेट लिखना है जिस डेट पे आप वहाँ पे भेजोगे। तो ये था कि बीटेक के स्टूडेंट को जो अप्रेंटिसशिप जो बैठे हुए हैं वो अपना अप्लाई करके इसमें ट्रेनिंग कर सकते हैं, आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। कोई भी आपको अगर कोई भी चीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो वहाँ भी आप इसे दे सकते हैं। तो ये था बीटेक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाली है, ये वीडियो है, और इसे आप जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं, इसका सारा चीज़ दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।